आज की इस वीडियो में क्लास 12 के गणित के सारणिक वाले चैप्टर्स में रैखिक समीकरण का अवयव विधि से आखिर कैसे हल करते हैं, यानी x और y का मान अवयव विधि से कैसे निकालते हैं रैखिक समीकरण का, इस तरीका को हम लोग बेसिक से समझेंगे, आसान से समझेंगे। ठीक है, ये आपका लगभग सारणिक का अंतिम चैप्टर्स पड़ता है और ये अंतिम पॉइंट है कि अवयव विधि से कैसे आपको रैखिक समीकरण कुछ समीकरण दिए और वहां पर कैसे आप x y का मान निकाल सकते हैं। देखिए, रैखिक समीकरण, अगर रैखिक समीकरण को हल करना अवयव विधि से, तो ये वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना पड़ता है, x बराबर a इनवर्स इनटू b। ठीक है ना, ये x बराबर a इनवर्स इनटू b, यानी एक का व्युत्क्रम आपको निकालना, जो अवयव a है उसका व्युत्क्रम निकाल कर b से गुणा कर देते हैं और बराबर x कर देते हैं, तो इस कंडीशन में जो xy का मान निकलेगा वो तरीका आपका अवयव विधि होगा। लेकिन आपको याद होगा, ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो में व्युत्क्रम निकालना मैंने सिखाया था a इनवर्स, तो a इनवर्स निकालने का तरीका था एडजॉइंट a बटा डेट a, यानी जब कोई भी अवयव हमारे पास है तो उस अवयव में a इनवर्स हमें निकालना पड़ेगा। a इनवर्स निकालने का तरीका एडजॉइंट ए बटा डेट ए। ठीक है, एडजॉइंट ए निकालने का तरीका था। जो बच्चा अवयवों का व्युत्क्रम निकालना नहीं सीखा है वो पिछले वाला वीडियो मेरा जाकर देखिए, उसमें तरीका मैंने बता दिया था कैसे ए इनवर्स निकालना एडजॉइंट और डेट ए के माध्यम से। ठीक है, देखिए, तो अवयव विधि से अगर हल करना चाहते हैं रैखिक समीकरण को, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स बराबर ए इनवर्स बी, और ए इनवर्स निकालने का तरीका होता है एडजॉइंट ए बटा डेट ए। चलिए, यहाँ पर रैखिक समीकरण दिया है, रैखिक समीकरण दिया, ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो मैंने ये भी बता दिया था कि किस तरह से आप रैखिक समीकरण का जांच कर सकते हैं कि वो संगत है कि संगत है। सबसे पहली बात मैंने आपको बता दिया था कि जो भी आपको अवयव दिया है, जो भी अवयव दिया है, वहां पर एक्स वाई का गुणज, एक्स वाई जेड का जो गुणज होगा वो हमेशा आपका अवयव ए बनेगा। तो लेट लेट मतलब माना कि क्या मान लिया मैंने, तो यहां एक्स का गुणज 5 है, यहां वाई का गुणज 2 है, यहां एक्स का गुणज 7 है, यहां वाई का गुणज 3 है, तो ये आपका अवयव ए हो गया। ठीक है, उसके बाद बी किसको मानना है बाबू, बी अवयव किसको मानना था, तो बी अवयव मानेंगे बराबर के बाद जो है तो 4 और 5 है। अब आप सोचे होंगे 4 5 हो गया, ये जो बड़का एक्स है वो किसका मान है, तो x जो है ना वो जो गुणज है आपका, जिस रूप में आपको गुणज दिया है, तो गुणज xy के रूप में दिया तो x और y उठा लेंगे, अगर z जैसे यहां पर z के रूप में दिया तो xy z उठा लेते। ठीक है, तो x का जो मान होगा यहां पर वो xy, यानी जिस रूप में गुणज दिया है, अंक के साथ जो गुणज है, यानी xy z किस रूप में आपका है उसी रूप को आपको क्या मानना है, x मानना है। तो इस समीकरण में सिर्फ xy है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, जो एक्स वाई का गुणज था उसको ए मान लिए, जो बराबर के बाद है उसको बी मान लिए, और जो एक्स वाई के रूप में दिया है उसको क्या मान लिए, एक्स मान लिए। अब देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर हल करना, एक्स वाई का मान निकालना है, तो इसका तरीका क्या है कि इसमें हमें ए इनवर्स चाहिए, ए इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला उसका एडजॉइंट ए और उसका डेट चाहिए। चलिए, इसका सबसे पहले डेट निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे, डेट निकालेंगे। डेट निकालना क्यों जरूरी है, क्योंकि बटा डेट करेंगे तभी तो निकलेगा। तो डेट निकालते हैं, इसका कैसे निकालना है, क्रॉस मल्टीपल करिए, 15 घटाओ 7 2 24 का मान कितना आ गया, एक आ गया। ठीक है, डेट एक का मान एक आ गया। फिर इसका हमें एडजॉइंट चाहिए, क्योंकि हमें ए इनवर्स जब तक नहीं निकलेगा तब तक हम कैसे उसका बी से गुणा करेंगे, कैसे उसका मान निकाल पाएंगे। ठीक है, डेट ए निकाल दिए, उसको दो कोटि का अवयव होता है, दो कोटि के अवयव का डायरेक्ट एडजॉइंट निकालने का तरीका मैंने बता दिया था, कैसे, देखिए, इसके पहले का अवयव का कोना कोनी स्थान चेंज करना है। ठीक है, 5 के जगह पर 3 कर देंगे, 3 के जगह 5 कर देंगे, तो यहां पर हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए, दो कोटि का एडजॉइंट निकालने का तरीका मैं बता दिया था, 3 हो जाएगा या 5 हो जाएगा, इन दोनों का स्थान चेंज कर दिए। और जो बचा अवयव उसको जो कहते हो छोड़ना 2 और 7, ठीक है ना, उसी में आपको माइनस लगाना, जो बचा अवयव था उसमें क्या करना, माइनस लगाना था। जो बच्चा लाइन बाय लाइन मेरा पर वीडियो देखते आ रहा होगा कि कैसे एडजॉइंट निकालना, कैसे व्युत्क्रम निकालना, वो सारे बातें समझ रहे होंगे। ठीक है, देखिए, यहाँ पर ध्यान से समझिए इस बात को, मैंने क्या किया, सबसे पहले एडजॉइंट निकाल दिया, कैसे निकाले, दो कोटि के अवयव का एडजॉइंट आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन तीन कोटि का जब अवयव होता है तो वहां पर उपसार नहीं के, फिर उसका हम निकालते हैं सहखंड, और सहखंड जो आता है तब जाकर उसका परिवर्त करते हैं, तब उसका सहखंड यानी एडजॉइंट निकलता है। तो पिछले वाला वीडियो जाकर आप लोग जरूर देखिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट ही इसका एडजॉइंट निकाल दिया, कैसे एडजॉइंट निकाल दिया, तो नियम होता है दो कोटि के अवयव का कि इनके जो पहले का कोना कोनी है उसका स्थान चेंज कर दीजिए, 5 के जगह 3 और 3 के जगह 5 करिए, जो बच्चा अवयव उसको ज्यो तोली का उसी में माइनस आपको लगा देने हैं। ठीक है, तो एडजॉइंट भी मैंने निकाल दिया, एडजॉइंट निकालने के बाद फार्मूला में ए इनवर्स निकालना था, ए इनवर्स निकालने का फार्मूला होता है एडजॉइंट ए अब बटा होता है डेट ए। देखो, डेट ए का मान कितना रखना है, 1 रखना है, एडजॉइंट ए का मान कितना है, 3 - 2 - 7 - 5, अब बटा में डेट ए है, तो डेट ए का मान कितना निकालना है, देख सकते हैं 1 है तो 1, तो बटा में 1 लिखने से तो कोई फायदा है ही नहीं, इसको जो कहते हो 3 - 2 - 7 - 5, 1 से अगर भाग करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ए इनवर्स का मान
जाएगा 3 - 2 - 7 - 5। कैसे ए इनवर्स का मैंने मान निकाल लिया, तो ए इनवर्स का मान निकालने के लिए डेट निकाला, ए का डेट निकाला, ए का एडजॉइंट निकाला, दोनों को भाग कर दिया तो क्या निकल गया, ए इनवर्स निकल गया। अब फॉर्मूला क्या अभी विधि से ये चलिए, एक्स बराबर है ए यूनिवर्स भी, यही ना फॉर्मूला है। अब सबका मान पुट करेंगे एक्स, एक्स का मान क्या है एक्स वाई है, तो आप लिखेंगे एक्स वाई यही तो है मान। अब बराबर ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का मान कितना है 3 - 2 - 7 - 5 है, इंटू में आपका बी है तो बी का मान कितना है, बी का मान है 4 - 5। अब बाबू यहाँ से गुना कर दीजिए अपना, ये एक्स वाई जो कहते हो छोड़ देते हैं ठीक है, बराबर यहाँ गुना करना है। कैसे गुना करना है, ये पंक्ति का स्तंभ से, तो 3 - 4 से गुना करेंगे 3 - 4 = 12, फिर माइनस होगा क्योंकि -2 - -5 से गुना करेंगे -10, फिर दूसरा का पंक्ति का स्तंभ से गुना करते हैं -7 - 4 से गुना करेंगे -28, और प्लस 5 - 5 से गुना कर देंगे 25 हो जाएगा ठीक है। साइड में मैं क्लियर कर देता हूँ, का चीन बढ़िया से लगेगा आप ठीक है। ये एक्स वाई, एक्स वाई बराबर क्या बचा, 12 में से 10 घटेगा तो यहां बच जाएगा 2, और यहां 25 में से 28 घट जाएगा तो -3 बचेगा। इसलिए देखो अवयवों का समानता का नियम होता है कि सामने सामने अवयव आपस में बराबर होते हैं, तो एक्स का मान कितना आ गया 2, और वाई का मान कितना आ गया, वाई के सामने -3, तो वाई का मान -3 आ गया। तो इस तरह से मैंने निकाल दिया एक्स वाई का मान। तो ये दो कोटि का था, दो कोटि का रैखिक समीकरण था, इसी कारण से आसानी से मैंने इसका निकाल दिया एक्स वाई का मान। लेकिन तीन कोटि का होता है तो लंबा प्रोसेस चलता है, कैसे, क्योंकि सबसे पहले उसमें उपसारणिक निकालेंगे, फिर उसका सहखंड निकालेंगे, और सहखंड जो आएगा तब जाकर उसका परिवर्त करेंगे, तो सहखंडज एडजॉइन निकलेगा, एडजॉइन निकलेगा तब जाकर उसका ए इनवर्स निकलेगा, और ए इनवर्स निकल जाएगा तब जाकर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी, और यहाँ से हल करके आपस में बराबर करके एक्स वाई का मान मैं आसानी से निकाल दिया हूँ। लेकिन दो कोटि में क्या था कि डायरेक्टली इसका डेटे निकल गया, और डायरेक्ट इसका एडजॉइंट निकल गया। तीन कोटि वाले में यही आपको समस्या होगी कि इसमें लंबा आपको प्रोसेस करना पड़ेगा ए इनवर्स निकालने का ठीक है। तो अव्यूहों का व्युत्क्रम जिनको निकालने नहीं आता वो ठीक मेरा पीछे वाला वीडियो जाकर देखिए, आपको ही ऊपर ही मिल जाएगा कि कैसे इसका ए इनवर्स निकालते हैं, उसमें एकदम आसान तरीका बताया हूं ठीक है। तो इस तरह से सबसे पहले जो समीकरण दिया होगा उसमें एक्स वाई का गुणज को ए मानेंगे, बाहर वाले को बी मानेंगे, और जो आपको जिस रूप में दिया था एक्स वाई के रूप में उसको एक्स मानना है, वहां पर डेट निकालना, फिर उसका एडजॉइंट निकालना है, और दोनों का यानी एडजॉइंट निकालने के बाद ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मान पुट करेंगे, उसके बाद क्या होगा ए इनवर्स जैसे ही आपका निकलेगा फॉर्मूला अभी विधि द्वारा फॉर्मूला होता है एक्स बराबर ए इनवर्स बी, यहाँ पर एक्स का मान पुट करेंगे, ए इनवर्स का मान पुट करेंगे, बी का मान पुट करेंगे, आपस में गुना करेंगे, वहां से आपका एक्स वाई का मान आसानी से निकल जाएगा ठीक है। तो ये तो एक एग्जाम्पल है, चलिए एक और एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। आखिर यहाँ देखिए दूसरा एग्जाम्पल वो समझते हैं, यहाँ आपको दूसरा एग्जाम्पल दिया, दूसरा समीकरण मैंने बता दिया था कि सबसे पहले एक्स वाई का जो गुणज होगा उसको क्या मानना है, ए मानना है। तो यहाँ एक्स का गुणज 2, यहाँ वाई का गुणज माइनस है, यहाँ एक्स का गुणज 3, वाई का गुणज 4 है, वाई का गुणज कितना है 4 है ठीक है। उसके बाद बाहर वाले को क्या मानना है, बी मानना है, तो -2 - 3, आज जो आपका जिस रूप में दिया एक्स वाई के रूप में दिया है तो उसको एक्स मान लेंगे बड़ा एक्स ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालना पड़ेगा, जो अभी ए है उसका डेट निकाल लीजिए, 2 - 4 से गुना कर देंगे 8, बीच में होता है -, -, -, +, 1 - 3 - 3 हो जाएगा, यानी 11 निकल गया। डेट ए का मान कितना निकल गया आपका 11 निकल गया, डेट ए का मान कितना निकल गया 11। अब इसका डायरेक्ट क्या निकालेंगे, दो कोटि के अवयव का डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल सकते हैं, कैसे, कोना कोनी अवयव का स्थान चेंज करिए तो 4 हो जाएगा 2 हो जाएगा, इन दोनों का स्थान चेंज कर दिए, जो बचा है उसको ज्यों का उतारिए 3 - -1, तो क्या होता है इन दोनों चीन बदल देंगे, जो बच्चा अभी उतारे उसका चीन बदल देते हैं, 3 है तो -3 है, -1 है तो ये क्या हो जाएगा +1 आपका हो जाएगा, तो प्लस नहीं लिखते हैं, इनका क्या किया चीन चेंज कर देते हैं, एडजॉइंट हमारा निकल गया। अब एडजॉइंट निकल गया तो ए इनवर्स निकालेंगे, तो ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए बटा होता है डेट ए, डेट ए को बाहर खींचेंगे, डेट ए का मान 11 रखेंगे तो 1/11 हो सकता है बाहर खींचेंगे, एडजॉइंट ए का मान है 4 - 1 - 3 - 2 ठीक है, यही है। तो ए इनवर्स का मान निकल गया 1/11 क्योंकि 11 बटा में चला गया तो बटा वाले को बाहर खींचे, उसके बाद 1/11 इंटू में आपका 4 - 1 - 3 - 2 हो गया। अब हमें अभी विधि वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स बराबर फॉर्मूला होता है ए यूनिवर्स इंटू बी। अब देखो ए यूनिवर्स इंटू बी, ए एक्स का मान कितना, एक्स और वाई है ठीक है, बराबर ए यूनिवर्स का मान है 1/11 × 4 - 1 - 2 - 3 - 2, इंटू में आपका बी है तो बी का मान कितना यहां पर है -2 और 3 है ठीक है बाबू। अब देखिए आप क्रिया करते हैं, इस अवयव को ज्यों का तो लिखिए एक्स वाई ठीक है, यहाँ 1/11 छोड़िए आपस में इनका गुना करें पंक्ति का स्तंभ, तो 4 - 2 से गुना करेंगे -8, 4 - -2 से गुना करेंगे -8, अब प्लस हो जाएगा 1 - 3 से गुना कर देंगे 3, आगे गुना करते हैं -3 - -2 से गुना करेंगे 6, और 2 - 3 से गुना कर देंगे 6 हो जाएगा ठीक है। आगे यहाँ पर क्रिया करते हैं साइड में, या करिए ठीक है, यहाँ देखो एक्स वाई बराबर में क्या है 1/11 है ठीक है, यहाँ क्या हो गया कि 3 में से 8 है, 3 में से 8 घटा देंगे तो -5,
आया छः में से छः छः जोड़ देंगे, छः छः जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 11 से भाग भी कर दीजिए अच्छा रहेगा, एक्स वाई, एक्स वाई 11 से भाग करेंगे तो माइनस 5/11 हो जाएगा और यहाँ 12/11 आपका हो गया। इसलिए एक्स का मान कितना आ गया 5/11 और वाई का मान कितना आ गया 12/11, ये निकल गया। तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं x और y का मान, ठीक है, x और y का मान, x और y का मान। ध्यान दीजिए कैसे निकालना है, एक बार और बेसिक से समझा रहा हूं। जो भी आपको समीकरण दिए हैं उसमें x y का गुणज को a मानना है, बराबर के बाद वाले को b मानना है, और x y के रूप में दिया तो उसको x मानना है, ठीक है। वहां से आपको अभी a का डेट निकालना है, डेट निकालने के बाद उसका एडजॉइंट निकालना है, दोनों को भाग करेंगे तो a इनवर्स निकल जाएगा। जैसे ही आपका a इनवर्स निकल जाएगा वहां पर आपको अभी विधि वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, x बराबर a इनवर्स इंटू b। अब यहां से x का मान a इनवर्स का मान b का मान पुट करना है, क्रिया करना है, x का मान x के बराबर, y का मान y के मान y के बराबर करना है, और आपका आसानी से वहां से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये तो दो कोटी वाला का था, तो तीन कोटी वाला में भी यही तरीका अप्लाई करता है, ठीक है। चलिए इसको मैं फिर से मिटका रहा हूं, इसको फिर से मिटका रहा हूं। क्यों मिटका रहा हूं? क्योंकि तीन कोटी वाला मैं एक एग्जांपल लेकर चला हूं, उसको भी समझा दूं। जैसे ये समीकरण है, ठीक है, इस समीकरण को हमें हल करना है, तो यहां भी वही तरीका अप्लाई करेंगे। लेट है ए मानेंगे, एक्स वाई जेड का जो गुणज है उसको ए मानेंगे। यहां एक्स का गुणज 1 छुपा है, यहां वाई का गुणज -1 छुपा है, जेड का गुणज भी -1 छुपा है। यहां एक्स का गुणज 2 है, वाई का गुणज 1 है, जेड का गुणज -3 है। यहां एक्स का गुणज 1 है, वाई का गुणज 1 है, जेड का गुणज क्या है 1 है, ठीक है। उसके बाद बी किसको मानना है, बराबर के बाद वाले को, तो 4 0 2। उसके बाद यहां पर एक्स किसको मानना है, तो किस रूप में, एक्स वाई जेड के रूप में दिया, तो एक्स का मान एक्स वाई जेड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको मानना है। अब फिर मानने के बाद आपको क्या करना है बाबू, इस बात का ध्यान रखना है, डेट निकालना किसका, ए का डेट निकालना है। तो ए का डेट मान लीजिए कि आपका 8 है, इसको हल करिएगा, अपना हल करके निकालेगा। चलिए मैं इसका हल करके निकाल लेता हूं, ठीक है, हल करता हूं। डेट ए कैसे, तो एक पे एक्सप्लेन करेंगे, एक पे एक्सप्लेन करेंगे तो आमने सामने एलिमेंट गैप 1 -3 1 बचेगा, फिर यहां इसका चिन्ह माइनस होता है, -1 पे एक्सप्लेन कर देंगे तो -1 पर करेंगे तो आपका बचेगा 2 1 -3 1 बचेगा, फिर आगे -1 पे एक्सप्लेन करते हैं, इसका चिन्ह प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इस पर करेंगे तो आपका 2 1 1 बचेगा, ठीक है। एक्सप्लेन कर लीजिए, 1 से गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का 1 से गुणा करेंगे 1 माइनस माइनस प्लस, ये 3 हो जाएगा, 1 + 3 होगा। यहां माइनस माइनस प्लस 1 और 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चिन्ह प्लस हो जाएगा। 2 का 1 से गुणा करेंगे 2 माइनस माइनस प्लस, या बीच में माइनस 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 प्लस, 1 का 3 से गुणा कर देंगे 3, क्रिया करने आना चाहिए, ठीक है। 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 का 1 से गुणा करेंगे 2 घटाव 1 आपका हो जाएगा, ठीक है। यहां 1 3 4 प्लस, यहां पर 2 3 5 ये आपका हो जाएगा, 2 में से 1 घटेगा 1 हो जाएगा -1, तो 4 5 9 में से 1 8, यानी डेट ए का मान कितना निकल गया, 8 निकल गया। अब डेट ए का मान निकल गया तो इसका एडजॉइंट निकालेंगे, तो एडजॉइंट निकालने के लिए इसका सबसे पहले M11 और A11 यानी उपसारणी का सहखंड निकालना पड़ेगा, और जब सहखंड आ जाएगा तो सहखंड का परिवर्त कर देंगे तो वहां से आपका डायरेक्ट क्या निकल जाएगा, एडजॉइंट निकल जाएगा। क्या निकलेगा, एडजॉइंट निकल जाएगा। तो एडजॉइंट निकालना होगा, एडजॉइंट जैसे ही आपका निकलेगा वहां पर ए इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, एडजॉइंट ए बटा डेट ए, ठीक है। एडजॉइंट ए का मान पुट करेंगे, डेट ए का मान पुट करेंगे, ए इनवर्स निकल जाएगा। ए इनवर्स जैसे ही निकलेगा वहां फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, एक्स बराबर ए इनवर्स बी, एक्स का मान पुट कर देंगे ये वाला, बी का मान पुट कर देंगे, जो ए इनवर्स का मान निकले उसको पुट करना, आपस में गुणा करेंगे, और बाद में जो अंत वाला रूप आएगा, एक्स के सामने वाला मान एक्स का मान, वाई के सामने वाला मान वाई का मान, जेड के सामने वाला जेड के मान। देखो तरीका पता होना चाहिए बाबू, सबसे पहले आपको ए का मान दिया हुआ था, आपको डेट निकालना, आपको पता है कि हमें डेट निकालना है, फिर एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने का तरीका जो नहीं देखे ठीक पीछे वाला वीडियो जाकर देखिए, एडजॉइंट निकालना है, दोनों का करेंगे ए इनवर्स निकल जाएगा। जैसे ही ए इनवर्स निकल जाएगा तो वहां पर फॉर्मूला ये वाला x बराबर ए इनवर्स b का अप्लाई करना है, वहां तीनों का मान पुट करना है, उसका हल करना है, तो अंत में आपका x y का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अभी विधि से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी रैखिक समीकरण का आसानी से हल कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि यह तरीका आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए। जय हिंद।